नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन टिप्स एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक ऐसी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जिस स्टॉक में हम निवेश कर सकते हैं और निवेश करने की उम्मीद रख सकते हैं और ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि आगे जाके हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकते हैं। लेकिन निवेश हम क्यों करेंगे, किस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं, टारगेट क्या फॉलो कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या फॉलो कर सकते हैं, स्टॉक की पोजिशन अभी क्या है, क्यों हम पोजिशन बना सकते हैं, पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे कि सच में हम निवेश कर सकते हैं कि नहीं और अभी कंडीशन क्या है। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, कॉल ऑफ स्टॉक ऑप्शन कॉल फ्री मिलेंगे। प्रीमियम कॉल अपने पेड क्लाइंट को जो कॉल प्रोवाइड करता हूँ सेम कॉल। और अगर आप लोग एनी सेगमेंट के टिप्स लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 80% एक्यूरेसी के साथ कॉल प्रोवाइड करता हूँ, सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा लैपटॉप उठ रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं स्टॉक को देख लेते हैं। स्टॉक को मैंने सिलेक्ट क्यों किया उसका रीजन मैं बता दूंगा। स्टॉक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि स्टॉक गोल्डन क्रॉसओवर स्टॉक्स हैं। गोल्डन क्रॉसओवर स्टॉक्स जब मिलते हैं तो स्टॉक में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलते हैं कि आगे जाके हमें फायदा मिलेगा। यानी गोल्डन क्रॉसओवर अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने देना मेरी ख्याल से ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे स्टॉक नहीं मिलता है। लेकिन गोल्डन क्रॉसओवर स्टॉक मिल गया उसका मतलब हम बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूर नहीं है, सही लेवल पे हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखूंगा स्टॉक ओपन हुआ 343.80 में और हाई 348, लो 340 और क्लोज 342। यानी ओपन होने के बाद हाई भी बनाया, लो भी बनाया और क्लोज कहां पर हुआ, चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस। आज की डेट में केआरबीएल प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन हुआ है और क्लोज कहां पर हुआ है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन हुआ और प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ। ओके, और एलटीपी देखिए 342.50, यानी स्टॉक अभी बुलिश है। दूसरी तरफ अगर हम VWAP देखे तो VWAP 342.75 है लेकिन क्लोजिंग प्राइस के यानी VWAP के नीचे क्लोज हुआ है। तो कहने का मतलब नजदीकी प्राइस है, ज्यादा दूर नहीं है, 20-25 पैसे का डिफरेंस है, तो ये कभी भी ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेंस करते हैं VWAP के ऊपर तो और भी उछाल देखने को मिलेंगे, और भी काफी सारे रीजन है, यानी टेक्निकल चार्ट में देखेंगे। उसके बाद अगर हम डिलीवरी क्वांटिटी देखें तो डिलीवरी क्वांटिटी में 35.63% का डिलीवरी वॉल्यूम है और ये अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम है। चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पे अगर हम देखें तो गोल्डन क्रॉसओवर हमने क्यों कहा, चलिए एक बार हम देखें। तो फ्रेंड्स, गोल्डन क्रॉसओवर कहने का मतलब है कि 50 डेज ने 200 डेज को ब्रेकआउट किया। क्या क्या फ्रेंड्स, 50 डेज ने 200 डेज को ब्रेकआउट किया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50 डेज ने 200 डेज को ब्रेकआउट किया। तो जो स्टॉक हमें ऐसी सिचुएशन में मिलता है तो उस स्टॉक में हम निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने के लिए एक सही लेवल जनरेट करना भी जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, स्टॉक गोल्डन क्रॉसओवर स्टॉक्स है क्योंकि 50 डेज ने 200 डेज को ब्रेकआउट किया। यहाँ पर हमें क्या मिला, 50 डेज ने 200 डेज को ब्रेकआउट किया, लेकिन स्टॉक के प्राइस क्या है। कैंडल को अगर हम देखें तो इस कैंडल को देखिए, सेकंड कैंडल को, सेकंड कैंडल 200 डेज और 50 डेज के नीचे है। गोल्डन क्रॉसओवर स्टॉक है, डीएमए ने तो क्रॉसओवर दे दिया लेकिन स्टॉक प्राइस दोनों डीएमए लेवल के नीचे है, यानी 50 डेज और 200 डेज दोनों के नीचे है। आज की डेट, आज तारीख क्या है, 2 अप्रैल 2019। तो आज की डेट में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या देखा हमने, 50 और 200 डेज क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज हुआ है। तो जब तक प्राइस इन दोनों डीएमए लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम बाइंग पोजीशन नहीं बना सकते। ये एक सिंपल सोच है, यानी ये एक साधारण तकनीक कह सकते हैं आप कि 50 डेज ने 200 डेज को ब्रेकआउट किया, क्रॉसओवर किया, लेकिन दो दिन से प्राइस दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है। तो जब इस दोनों लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर सस्टेंस करना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, इसके ऊपर सस्टेंस करना जरूरी है।
दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो RSI रेशियो है 46 है, यानी अभी ओवरसोल्ड जोन पे, तो हम बाय कर सकते हैं। अगर MACD को देखें तो हिस्टोग्राम बार दो दिन से बुलिश है, हिस्टोग्राम कोशिश कर रहा है उसको ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था और यहाँ पर ये दोनों मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जिसके कारण इसमें सेलिंग प्रेशर था, क्योंकि इस दोनों मूविंग एवरेज को देखते हुए लोग जब भी प्राइस ऊपर जाता है यहाँ पर सेल करना शुरू कर देते हैं, जब भी प्राइस यहाँ पर जाते हैं तो सेल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर MACD कुछ हद तक हमें बाइंग पोजिशन दे रहा है और RSI भी ओवरसोल्ड में हम बाय कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर देखना है जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं दोनों मूविंग एवरेज को, तो हम बाइंग पोजिशन बना सकते हैं ये वन डे चार्ट में। चलिए एक बार हम वीकली चार्ट में देख लेते हैं क्या कंडीशन है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देखिए RSI 49 में है, तो हम बाय कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेवल क्या रहेगा। चलिए लेवल एक बार हम लोग देख लेते, तो लेवल देखने से पहले हम एक बार वन आवर चार्ट को भी देख लेते हैं। वन आवर चार्ट को अगर हम देखें तो जैसे कि वन डे चार्ट में हमें बाइंग सिग्नल मिला, वीकली चार्ट में बाइंग सिग्नल मिला, अब वन आवर चार्ट में हमें क्या सिग्नल मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वन आवर्स में सेलिंग है, वन डे चार्ट में बाइंग है, फिर वीकली चार्ट में बाइंग है, मंथली चार्ट में सेलिंग है। अगर ऐसा कोई कंडीशन रहता है तो उस टाइम पे जो है ना कभी भी ये उल्टा पड़ सकता है, इसलिए हमें यूनिक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ट्रेड करना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वन आवर चार्ट में कैमेसिटी मेनलाइन सिग्नल लाइन के ऊपर इनिशियल बाइंग सिग्नल और RSI 48 में है, तो बाइंग में है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो पिवट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, तो वन आवर चार्ट में भी हमें एक बाइंग सिग्नल मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम डायरेक्ट लेवल देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाइंग लेवल क्या रहेगा। अगर हम बाइंग पोजिशन बनाते हैं उसमें तो हम बाय करेंगे कौन से लेवल पे, हम बाय करेंगे 353 पे हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस हम फॉलो करेंगे 340, और हमारे लिए टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा 360 और 372। आने वाले 10 दिन 15 दिन 20 दिन में हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंट्राडे ट्रेड करते हैं उसमें तो इंट्राडे में जो भी लेवल यानी जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है उस प्रॉफिट को आप लोग बुक कर लीजिएगा। तो हमें ऐसा ही आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने क्लाइंट को जो ऑप्शन कॉल प्रोवाइड किया था एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 32,000 का कॉल ऑप्शन मैंने आज सेल करवाया 99 में और यहाँ पर हमें सेकंड टारगेट मिला है। नेक्स्ट हमने बायोकॉन 620 कॉल ऑप्शन बाइंग साइड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर हमें टारगेट मिला है। 410 डावर बाइंग लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ, यानी कॉल को मैंने सेल करवाया और यहाँ पर हमें टारगेट मिला है। कॉल को सिर्फ हम बाय नहीं करते, कॉल को हम सेल भी करते हैं, पुट सिर्फ बाय नहीं सेल भी करते हैं, जो लेवल हमें मिलेगा उसी लेवल पर ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट हमने 11,700 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर दिए थे 202 रुपए और यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, इसमें भी टारगेट मिला है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ऑप्शन में चार कॉल दिया, चारों में टारगेट डन। दूसरी तरफ अगर हम स्टॉक फ्यूचर देखें तो स्टॉक फ्यूचर में आप लोग देख सकते हैं आज मैंने 2 कॉल प्रोवाइड किया, दोनों में टारगेट डन। येस बैंक जो है आज बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। दूसरी तरफ सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ था। दूसरी तरफ अगर हम देखें बायोकॉन को तो बायोकॉन देखिए बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा मुनाफा मिला है, लेकिन सेलिंग लेवल पर ट्रेड नहीं हुआ है। तो कैश फ्यूचर में मैंने 2 कॉल दिया, दोनों में टारगेट डन, ऑप्शन में 4 कॉल दिया, चारों में टारगेट डन, और इक्विटी कैश में 3 कॉल दिए थे, तीनों में टारगेट डन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए अदानी पुट्स बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर 3rd टारगेट डन। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं BPCL देखिए सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर लगभग 4th टारगेट डन। और डाबर में भी देखिए डाबर आज बाइंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर हमें 4th टारगेट मिला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन कॉल फ्री में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सही,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।